Hello, welcome to Arvind Singh Academy. We are discussing area under the curve, and this is a Brio lecture number 2. I hope you have already watched part 1 in which we have discussed about the curve tracing. तो आज की क्लास में हम क्या सीखने वाले हैं? एरिया अंडर द कर्व का कुछ एप्लीकेशन, दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एज वेल. सो लेट अस डिस्कस अ फ्यू क्वेश्चंस. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सम क्वेश्चंस इन व्हिच दिस इज अ डायरेक्ट क्वेश्चंस एंड ओनली वन कर्व इज इन्वॉल्व. फॉर एग्जांपल इफ आई कैन से फाइंड द एरिया, फर्स्ट क्वेश्चन आई एम गोइंग टू टेक ऑन हियर, फाइंड द एरिया enclosed by the curve, enclosed by the curve y is equal to 2x plus 5 between x is equal to 2 and x is equal to 4. So what will happen? To answer such question, y is equal to 2x plus 5, x is equal to 2 and x is equal to 4 with x axis. ये एरिया किसके साथ बनाएगा? x axis के साथ. तो इसमें अब सबसे पहले हमें एरिया ऑफ कर्व निकालने के पहले इस कर्व को प्लॉट करना पड़ेगा, किसी भी कर्व को. तो ये कर्व में क्या है कि आप देख पा रहे हैं कि ये y is equal to 2x plus 5 है. y is equal to 2x plus 5 है. अगर इसको प्लॉट करने को, वैसे तो आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन बनेगा, लेकिन अगर नहीं पता है तो कर्व ट्रेसिंग की जो हमने बात बताई है उससे आपको पता चल जाएगा कि ये ओरिजिन से पास नहीं कर रहा है. x is equal to 0, y is equal to 0 do not satisfy, ये ओरिजिन से पास नहीं कर रहा है. x is equal to 0 पुट करेंगे तो y 5 आएगा, यानी 0 5 इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन कहां पे? y एक्सिस. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन y एक्सिस. y एक्सिस पे ये 0 5 को इंटरसेक्ट करेगा. और y इज इक्वल टू अगर 0 रख दिया जाए तो क्या होगा? y इज इक्वल टू 0 अगर रख दिया जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी -5/2. तो ये -5/2 0 पे x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा. तो इस तरीके से हम एक कर्व बना सकते हैं, और ये कर्व कैसा होगा ये देखते हैं. सो ये एक लाइन ड्रॉ कर दिया हमने, राइट? और इसमें जो ये लाइन है वो लाइन ये -2 और 5 को कनेक्ट कर रहा है. तो इसका मतलब है कि ये लाइन कुछ इस तरह का होगा, राइट? इस तरह का होगा और इस तरह का ये लाइन होगा. और इसमें दो लाइंस हैं, x इज इक्वल टू, ये लिखा हुआ है कि दो के बीच में x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 5, इन दोनों के बीच में यहाँ पे ये x इज इक्वल टू 2 हो गया और ये एक लाइन हो गया x इज इक्वल टू 5 का. इन दोनों के बीच का एरिया आपको निकालना है. इन दोनों के बीच का एरिया, ये एरिया जो शेडेड हो रहा है उसको आपको निकालना है. तो इसको थोड़ा और चाहे तो आप बढ़ा सकते हैं थोड़ा सा. सॉरी, ये हमारा कर्व है और इसके बीच का ये शेडेड एरिया आपको निकालना है. आप इसको चाहे तो एरो बना सकते हैं, इधर भी एरो दे दीजिए, एरो, है ना? ये हो गया क्या? ये है ओरिजिन, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, है ना? और ये है एक्स डैश और ये है वाई डैश. ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ है? 0.5 पे. ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ है? -2.5, 0 पे. -2.5, 0 ये है -2.5, 0 जैसा कि हमने देखा था. इन दोनों के बीच का ये एरिया आपको निकालना है, मींस आपको निकालना है ये सारा एरिया, ये जो शेडेड एरिया है इसके बीच का ये पूरा एरिया आपको निकालना है, राइट ना? ये एरिया निकालना है. सो आपको ये शेडेड एरिया निकालना है और इसको आप क्या करोगे? इंटीग्रेट कर दोगे. तो इंटीग्रेट करने से एरिया निकल जाएगा किसका? कर्व का. तो यानी जहां पे भी अगर कर्व को हम इस लाइन को इंटीग्रेट करते हैं तो मिलता है एरिया अंडर द कर्व. एरिया अंडर द कर्व यानी यहां पे मिलेगा एरिया इज इक्वल टू व्हाट? एरिया इज इक्वल टू, यहाँ पे एरिया इज इक्वल टू, एरिया इनक्लोज्ड इज इक्वल टू 2 to 5 y dx.
और एरिया क्या है 225, यहाँ पे लिख दूंगा y की वैल्यू क्या है 2x प्लस 5 dx, 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा x स्क्वायर बाई 2, 5 का 5x, और कहाँ से कहाँ तक है 0 से 2 से 5 तक, तो ये लिख देंगे। अब ऐसा लिखने से क्या मिल जाएगा, ऐसा लिखने से ये हो जाएगा कि आपका एरिया यहाँ 2 से 2 कट गया, एक्स स्क्वायर प्लस 5x कहाँ से कहाँ तक लिमिट है 2 से 5 तक, तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर यानी 25 प्लस 5x जो 25 50 माइनस 2 का स्क्वायर 4 एंड 5 टू जो 10 दैट इज 14, सो व्हाट इज दैट 36 स्क्वायर यूनिट, ये हो गया इसका एरिया। सो ये एरिया आ गया हमारा 36 स्क्वायर यूनिट, राइट। तो ये एरिया आप कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरीके से, लाइन अगर दिया हो तो लाइन और कर्व के बीच। सो लेट अस डिस्कस अनदर क्वेश्चन, एंड द सेकंड क्वेश्चन इज लाइक फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। एवरीबडी नोज कि रेडियस 2 है तो इसका एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर यानी 4 पाई इसका आंसर होगा, लेकिन हम ये दिखाना चाहते हैं कि इंटीग्रेशन के जरिए इसका हम कैसे निकालेंगे। किसी भी कर्व का एरिया निकालते वक्त क्या मिल के आता है कि इंटीग्रेशन ऑफ वाई डीएक्स निकालने से एरिया निकल के आता है बिटवीन द कर्व एंड एक्स एक्सिस। सो हम यहाँ पर इसको देख रहे हैं कि एक्स का पावर एक्स जीरो वाई जीरो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, हेयर एक्स इज इक्वल टू 0 वाई इज इक्वल टू 0 डू नॉट सेटिस्फाई, डू नॉट सेटिस्फाई, इसका मतलब कर्व ओरिजिन से नहीं पास कर रहा है। यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 आता है, और वाई इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो एक्स भी प्लस माइनस 2 आता है। इससे कर्व ट्रेसिंग की जो हमने बात बताई थी उसकी बात प्रूफ हो रही है कि ये कर्व कहाँ कहाँ कट करेगा, एक्स एक्सिस को कट करेगा 2,0 एंड -2,0 पे, और वाई एक्सिस को कट करेगा 0,2 एंड 0,-2 पे। इसका मतलब है कि ये एक सर्कल होगा और वो सर्कल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को इस तरह से कट करेगा। तो चलिए एक सर्कल ड्रॉ करते हैं और देखते हैं कि क्या है, कैसे एरिया निकलेगा। ये सर्कल है हमारा और यहाँ पे ये जो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ये कट कर रहा है, ये सर्कल है, और इस सर्कल को हम थोड़ा सा ये सर्कल है और इस सर्कल कहाँ कट कर रहा है तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कहाँ कहाँ कट कर रहा है जी, ये देख लीजिए सर्कल को हम लिख देते हैं यहाँ पे, ये कट कर रहा है 0,2 पे, ये है 2,0, ये है -2,0 और ये है 0,-2, तो ये चार पॉइंट पे कट कर रहा है। ये वाई एक्सिस है, इसको आप एक्स एक्सिस समझ लीजिए, ये एक्स डैश हो गया, ये वाई डैश हो गया, है ना। तो अब इन चारों पॉइंट्स पे यहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इंटरसेक्ट कर रहा है और ये जो एरिया है ये ओरिजिन है, ये सिमेट्रिकल अबाउट बोथ एक्सिस है। आपको एरिया निकालनी है तो बेहतर होगा कि आप एक एरिया निकालें और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एरिया इंक्लोज्ड बाय द कर्व यहाँ पे लिख देते हैं, एरिया इंक्लोज्ड बाय द कर्व, एरिया से एरिया इंक्लोज्ड बाय द कर्व, एरिया इंक्लोज्ड बाय द कर्व इज गिवन बाय 4 टाइम्स ऑफ इंटीग्रल y dx। ये जब dx आप लिख रहे हो तो x की लिमिट लिखनी पड़ेगी, और x यहाँ पर क्या है 0 और यहाँ पर क्या है 2, तो x की वैल्यू 0 से 2 तक है। y का मतलब क्या है यहाँ पे, चूंकि कर्व का इक्वेशन आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, यानी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी y इज इक्वल टू अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। So that will be 4 times of 0 to 2 under root y के बदले 4 square, 4 मतलब 2 square minus x square dx, a square minus x square का formula लग जाएगा, और ये formula क्या होता है आपको पता है, 4 into x by 2 under root जो है वही लिख देना होता है, यानी 4 minus x square
प्लस ए स्क्वायर बाई टू यानी 4/2, तो क्या हो जाएगा 2। अगर ये डिनोमिनेटर में होता तो क्या होता, यानी साइन इनवर्स एक्स बाई ए, एक जगह पर क्या है 2, ये आएगा। और लिमिट कहां से कहां तक आएगा, 0 से 2 तक। तो अब ये क्या होगा, जरा ध्यान से देखिए, पहली बार जब आप 2 रखोगे तो ये 2 स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 0 हो जाएगा। जब 0 रखोगे तो 0 × something = 0 हो जाएगा, यानी फर्स्ट टर्म बोथ केसेज में 0 हो जाएगा। दूसरे केसेज के लिए 2 रखेंगे यहाँ तो साइन इनवर्स 1 हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0, 0 रखेंगे तो ऐसी स्थिति में यहां से मिल जाएगा 4 × 2 × π/2, साइन इनवर्स 1 π/2 और साइन इनवर्स 0 0 होता है, तो 2 × π/2 यानी क्या मिल गया आपको, 4π² यूनिट। इसी बात को आप पहले भी वेरीफाई कर सकते थे कि एरिया जो होगा वो 4² होगा, क्योंकि रेडियस 2 है और एरिया ऑफ सर्कल होता था, एरिया ऑफ सर्कल होता है, होता क्या था, π r² यहाँ रेडियस 2 है, तो ये सीधे लिख सकते थे π × 4, 2 का स्क्वायर 4, 4π आएगा। यही 4π हमने इंटीग्रेशन से कैलकुलेट किया। बात ये नहीं कि इतनी जल्दी कैलकुलेट कर पा रहे हैं तो फिर इतना देर से क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, बात यह है कि इंटीग्रेशन के तरीके से आपको एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं ये सीखने की जरूरत है, और ये आप आसानी से इस तरीके से निकाल सकते हैं, तो आपको ये सीखना है, ठीक है ना। सो लाइक दिस, नेक्स्ट वन इज, लेट अस कैलकुलेट द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय एलिप्स, फाइंड द एरिया enclosed by ellipse x² / a² + y² / b² = 1, where a is greater than b, ऐसा कुछ लिखा है। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बट फिर भी हमने लिख दिया कि a is greater than b। अब इसमें क्या है कि आप यहाँ पे भी देखेंगे, since equation of curve contain even power of x and y both, so it must be symmetrical about both the axes, and if x is equal to 0 then y is equal to plus minus b, and y is equal to 0 then x is equal to plus minus a, that is point of intersections are a0 minus a0 0b and 0 minus b are point of intersection, right, aur ye dono ke symmetrical hai, origin se pass nahi kar raha hai। to is question ko solve karne ke liye aap kya karenge, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फिर से हम एक एलिप्स बनाएंगे, और एलिप्स कैसे बनाएंगे, यहां से देखिए ये एक एलिप्स बनाते हैं, ये एलिप्स हो गया, और इस एलिप्स में अब हम क्या करते हैं कि दो लाइन ड्रॉ करते हैं, ये जो है यहां से ये हो गया। अब ये है आपका वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई, ये है वाई डैश, ये है एक्स और ये है x डैश, राइट। तो x एक्सिस y एक्सिस, अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो गया, a, 0, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो गया, -a, 0, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0b, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0, -b। और अब आपको एरिया इस एलिप्स का निकालना है, तो इसका मतलब भी यही है कि आप इस एरिया को निकालें और क्या करें, 4 से मल्टीप्लाई कर दें। इस एरिया को अगर आप कैलकुलेट कर पा रहे हैं और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा, पूरा एरिया निकल जाएगा, है ना। हमें निकालना सबका है, लेकिन वी कैन कैलकुलेट लाइक दिस, और एरिया कैन बी कैलकुलेटेड बाय एरिया ऑफ, नाउ एरिया इन इक्वेशन इज गिवन x² / a² + y² / b² = 1, इसका मतलब हुआ y² / b² को 1 − x² / a² लिख सकते हैं, और 1 − x² / a² को फिर हम क्या लिख सकते हैं, y² / b² = a² − x² / a² लिख सकते हैं, और y² / b² = a² − x² लिख सकते हैं, है ना। एंड देयरफॉर y कैन बी रिटन एज b/a√a² − x². सो एरिया इनक्लोज्ड इज इक्वल टू व्हाट, वी हैव टू फाइंड नाउ area enclosed by the curve. So area enclosed is given by integral y dx,
और वाई के एक्स की लिमिट कहां से कहां तक है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है जीरो और यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या है ए, सो जीरो से ए तक लिमिट होगा। ये बात आपको समझ में आ रही है, जीरो से ए तक एक्स की वैल्यू रखनी है। ये शेडेड रीजन कहां से कहां तक चल रहा है, जीरो से लेकर के ए तक है, इसलिए जीरो से ए तक लिखेंगे। अब उसकी वैल्यू रख देनी है, तो जीरो से ए, वाई की वैल्यू क्या आई है हमारा, ये आया, तो लिख दीजिए बी बाई ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। बी बाई ए कॉन्स्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, है ना, तो आ जाएगा एरिया इज इक्वल टू व्हाट, बी बाई ए एरिया इज इक्वल टू बी बाई ए बाहर आ जाएगा जीरो टू ए। अब इसका फॉर्मूला लग जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, सो एरिया इज इक्वल टू आएगा यहाँ पे बी बाई ए, और इसका फॉर्मूला होता है एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए, और ये पूरा लिमिट कहां से कहां तक, जीरो से ए तक, तो ये हो जाएगा बी बाई ए। और यहाँ पे देखिए जब पहली बार ए रखेंगे तो इसकी वजह से ये क्या हो जाएगा जीरो, ए रखने के बाद इसकी वजह से यहाँ जीरो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जीरो हो जाएगा, जब जीरो रखोगे तो इसकी वजह से जीरो हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि हम ये पहला टर्म हर हालत में जीरो होगा, दूसरा टर्म ए स्क्वायर बाई टू, जब ए रखोगे तो साइन इनवर्स ए बाई ए दैट इज वन, साइन इनवर्स वन का मतलब पाई बाई टू, और जब जीरो रखेंगे तो पूरा जीरो हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि यहां से टू और टू मिल गया फोर, बी बाई ए इंटू पाई ए स्क्वायर बाई फोर, ए से के कट गया, इसका मतलब क्या हुआ कि पाई ए बी बाई फोर, पाई ए बी बाई फोर। ये किसका एरिया निकाला था हमने, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया इनक्लोज्ड बाई शेडेड रीजन, बाई शेडेड रीजन, शेडेड रीजन, तो उससे निकला है। टोटल एरिया अगर इलिप्स का निकालना है तो हमें क्या करना चाहिए, फोर से मल्टीप्लाई करना चाहिए, एंड देयर फोर टोटल एरिया ऑफ इलिप्स, टोटल एरिया इनक्लोज्ड बाय इलिप्स, इनक्लोज्ड बाय इलिप्स इज गिवन बाय फोर टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, शेडेड पोर्शन, एंड देयर फोर वॉट विल हैपन, फोर टाइम्स ऑफ पाई ए बी अपॉन फोर दैट इज फोर फोर कैंसिल, व्हाट इज आंसर पाई ए बी। सो एरिया इनक्लोज्ड बाय एलिप्स इज पाई ए बी, ये याद रखना है, ये आंसर होगा पाई ए बी, एरिया इनक्लोज्ड बाय द कर्व इज पाई ए बी, सो पाई ए बी आंसर होगा, और ये आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है, आई होप यू गॉट इट। नाउ कंसीडर द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय पैराबोला, पैराबोला दैट इज कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x बिटवीन x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 1 इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऐसा लिखा फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये क्वेश्चन में क्या होगा, यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि एरिया जो निकालनी है इस पैराबोला का, तो पैराबोला ऐसा होगा, ये है पैराबोला का एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, और यहाँ पे ये एक्स डैश और इधर हो गया वाई डैश, ये पैराबोला हो गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। आपको एरिया निकालना है किसके किसके बीच में, जीरो और वन के बीच में, ठीक है, एक्स जीरो किधर होता है, एक्स जीरो होता है वाई एक्सिस, सो एक्स इज इक्वल टू जीरो नथिंग एल्स बट यहाँ पे होता है, एक्स इज इक्वल टू वन, ये लाइन हो गया। अब आपको एरिया निकालना है सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का, मतलब आपको एरिया निकालना है सिर्फ यहाँ पे, ये वाला एरिया निकालना है, सो ये वाला एरिया निकालने के लिए क्या लिखेंगे, एरिया इनक्लोज्ड बाय द कर्व, इनक्लोज्ड बाय कर्व विथ एक्स एक्सिस, कर्व विथ एक्स एक्सिस इज गिवन बाय कर्व विथ एक्स एक्सिस इज गिवन बाय व्हाट, इंटीग्रल वाई डीएक्स, कहां से कहां तक, जीरो से वन तक। अब वाई की वैल्यू इसमें से क्या होगा, टू रूट एक्स होगा,
So therefore, area will come. Therefore, area will come integration of 0 to 1, 2 root x dx. And 2 can be taken outside root x dx. Root x का क्या होगा? Root x का आपका integration जो होगा, वो होगा 2 into x to the power 3 by 2 divided by 3 by 2, that is 2 by 3. और ये limit कहां से कहां तक? 0 से 1 तक. यानी 4 by 3, 1 रखोगे तो 1 का power 3 by 2 क्या होगा? 1 और minus 0. यानी 4 by 3 square unit ये हो जाएगा आंसर. तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं और इस अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि अगले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन है अगला, फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय पैराबोला y square is equal to 4x and line y is equal to x. So what will happen? यहाँ पे दो पैराबोला दो के बीच में जो एरिया है वो आपको निकालना है. तो कैसे करेंगे? इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक पैराबोला तो ड्रॉ करना ही पड़ेगा. ये पैराबोला हमने ड्रॉ कर दिया और इस पैराबोला में ये है y एक्सिस, ये है x एक्सिस, ये है x डैश, ये है y डैश. तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ये लाइन हो गया, पैराबोला हो गया. और लाइन जो है y इज इक्वल टू 4x वो कैसा होगा? y इज इक्वल टू x वो होगा इसके बीचों बीच में. तो ये लाइन होगा y इज इक्वल टू x का ऐसा, है ना, y इज इक्वल टू x लाइन ये है. y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x पैराबोला है. इन दोनों के बीच में जो ये एरिया है दैट यू नीड टू कैलकुलेट. ये जो एरिया है, ये जो पोर्शन है, ये आपको कैलकुलेट करना है कि इनके बीच में ये कितना एरिया है, ये एरिया कितना है, ये आपको कैलकुलेट करके बताना है. राइट, सो व्हाट इज दैट? ये अगर कैलकुलेट करना है आपको तो कितना है ये बताना है. तो कैसे करेंगे? पहले दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे. ये एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे. तो दोनों को पहले सॉल्व करेंगे. कैसे सॉल्व करेंगे? इसके लिए दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना होता है. वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड वाई इज इक्वल टू एक्स. तो आप क्या लिख देंगे? वाई इज इक्वल टू एक्स दोनों को सॉल्व करेंगे. सॉल्विंग 1 इन टू, सो वॉट विल यू विल बी एबल टू गेट इट? सॉल्विंग 1 इन टू, सॉल्विंग 1 इन टू मतलब y के जगह पे x रख दो या x के जगह पे y रख दो. तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, यानी y स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल टू 0. दिस इंप्लॉय y कैन बी टेकन एज y माइनस 4 इज इक्वल टू 0. सो इधर y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 4. सो सिंस y इज इक्वल टू x एंड देयरफॉर व्हेन y 0 देन x विल बी आल्सो 0, व्हेन y इज 4 देन x इज आल्सो 4. इसका मतलब हुआ कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो है एक 0 0 पे और एक जो दूसरा पॉइंट है वो है 4,4 पे. अब हम 0 से 4 तक ये अगर कर्व निकालें इसका y dx, तो ये एरिया मिलेगा x एक्सिस और इसके साथ का. उसमें से लाइन से 0 टू 4 तक अगर निकालें तो ये एरिया मिलेगा लाइन और इसके बीच का. तो बड़े वाले एरिया में से छोटे वाले एरिया को क्या करेंगे? माइनस. सो एरिया इनक्लोज इज इक्वल टू व्हाट? एरिया कैन बी ऑब्टेंड एज, देयरफॉर एरिया कैन बी कैलकुलेटेड लाइक एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन कैन बी कैलकुलेटेड एज 0 टू 4 वाई डीएक्स. किसके अलोंग? अलोंग पैराबोला माइनस 0 टू 4 y dx. किसके? अलोंग लाइन का. यानी पैराबोला और x एक्सिस के बीच का इससे एरिया मिलेगा, लाइन और x एक्सिस के बीच का इसके एरिया मिलेगा. तो अगर हम ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बीच का एरिया हमें मिल जाएगा. पहले वाले का y dx रखोगे ध्यान से देखो तो ये एरिया मिलेगा पूरा. दूसरे वाले का y dx रखेंगे तो ये एरिया मिलेगा. तो ये एरिया अगर पूरे एरिया में से माइनस कर दें ये एरिया,
तो बीच का एरिया मिल जाएगा। और बीच का एरिया कैलकुलेट करने के लिए अब इसमें से रख देंगे। तो पैराबोला का इक्वेशन क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। इसका मतलब हो गया कि पैराबोला का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, तो वाई कितना हो जाएगा, टू अंडर रूट एक्स डी एक्स। और लाइन का क्या है, लाइन का वाई इज इक्वल टू एक्स है, तो आपको सीधा इधर एक्स रखना है। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। सो व्हाट विल हैपन, टू बाहर आ गया, एक्स का इंटीग्रेशन 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 होगा, तो ये 3/2 को हम बाहर इधर क्या लिख सकते हैं, 2/3 लिख सकते हैं, है ना, इसको हम लिख सकते हैं इधर 2/3। तो ये हो जाएगा 2 × 2/3, कहां से कहां तक लिमिट, 0 से 4 तक, माइनस एक्स का x² / 2, कहां से कहां तक, 0 से 4 तक। तो क्या आएगा, ये देखिए 4/3 यहाँ पे है, जब 4 रखोगे तो 4 का पावर 3/2, ये हो जाएगा 4 का पावर 3/2 माइनस 0। और दूसरे वाले में क्या मिलेगा, दूसरे वाले में मिलेगा आपका ये 4² / 2 यानी 16/2। 4² / 2 का मतलब 16/2 और 0² / 2 तो 0। ये हो गया 4/3 × 2² इसको लिख सकते हैं, तो 2 से 2 कट जाएगा, 2 का पावर 3 8 माइनस 4/3 × 8 माइनस कितना, ये हो गया 4 का स्क्वायर 16, 16/2 8, तो 4 × 8 माइनस 8, 8 कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा 4/3 − 1, यानी क्या हो जाएगा, 4/3 − 1 का मतलब 4/3 − 1 = 1/3, सो ये हो जाएगा 8/3 स्क्वायर यूनिट, ये आंसर आ जाएगा। और इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन टू कर्व भी निकाल सकते हैं, एरिया इनक्लोज्ड बाय सिंगल कर्व भी निकाल सकते हैं। और कई बार ऐसा होगा आने वाले टाइम में, ऐसा क्वेश्चंस होंगे जिसमें एरिया जो होगा एक से ज्यादा होगा, कई बार ऐसा होगा कि एरिया एक से ज्यादा कर्व के बीच में कैलकुलेट करना होगा, आप उनको कैलकुलेट कर सकते हैं। वो सारे कर्व एक साथ ड्रॉ करने पड़ेंगे। सबसे पहला काम क्या है कि कर्व को ट्रेस करना, उसके बाद ये पता करना कि कौन सी एरिया हमें निकालनी है। एरिया दो कर्व के बीच का हो सकता है, 3 कर्व के बीच का हो सकता है, 4 कर्व के बीच का हो सकता है, या एक सिंगल ही कर्व होगा उसके बीच में एरिया इनक्लोज्ड होगा तो उसको भी निकालना होगा। तो तरह तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन यू कैन कैलकुलेट दिस। एंड दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। अगली क्लास में फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए नमस्कार, गॉड ब्लेस।